नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है 220 पदों पर जो है भर्ती होने वाली है। तो किस विभाग में ये भर्ती होगी, कौन कौन ये फॉर्म भर सकता है, किसके लिए भर्ती है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो पर अंत तक बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। और जिन्होंने जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया वो साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि आप तक मेरी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए, टाइम न गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो है आज की न्यूज़पेपर की खबर है, अमर उजाला की न्यूज़ है। तो मैं आपको इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। पूर्व सैनिक कोटे से भरे जाएंगे विभिन्न विभागों में 220 पद। तो 220 पद जो है पूर्व विभागों में भरे जाएंगे। पूर्व सैनिकों के कोटे के ये विभिन्न विभागों में 220 पद हैं। सैनिक कल्याण विभाग निदेशालय में 30 और 31 को होगी भर्ती प्रक्रिया। तो 30 और 31 को भर्ती प्रक्रिया होगी। उसके बाद बताया कि सैनिक कल्याण विभाग प्रदेश के विभिन्न विभागों में पूर्व सैनिक कोटे से करीब 220 पद की भर्ती करेगा। विभाग ने 30 और 31 अगस्त को इन पदों के लिए पात्र पूर्व सैनिकों के साक्षात्कार रखे हैं। साक्षात्कार में चयनित अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार विभिन्न विभागों में नियुक्तियां दी जाएंगी। सूबे में पूर्व सैनिकों के कोटे से फीटर, ड्राफ्टमैन, सर्वेयर, इलेक्ट्रीशियन, म्यूजिशियन, जे इलेक्ट्रिकल, जे सिविल और स्वास्थ्य विभाग में पैरामेडिकल स्टाफ के पद भरे जाने हैं। 30 अगस्त को विभिन्न विभाग ने ड्राफ्ट्समैन, फीटर, इलेक्ट्रीशियन के साक्षात्कार रखे हैं। अन्य पदों के लिए साक्षात्कार 31 अगस्त को हो गए। सैनिक कल्याण विभाग के सौजन्य से ड्राफ्ट्समैन के 24, फीटर के 8, इलेक्ट्रीशियन के 23, सर्वेयर के 4, म्यूजिशियन के 6, जे इलेक्ट्रिकल के 42, जे सिविल के 21 और स्वास्थ्य विभाग में पैरामेडिकल स्टाफ के 92 पद भरे जाएंगे। विभाग ने इन पदों के लिए पात्र पूर्व सैनिकों के हस्ताक्षर के लिए कॉल लेटर भेजे हैं। पात्र अभ्यर्थियों की सूची भी विभाग अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा। यदि इन पदों के लिए पात्र पूर्व सैनिकों को कॉल लेटर नहीं मिले होंगे तो वे विभाग की वेबसाइट पर अपलोड सूची में अपना नाम देखकर साक्षात्कार में दस्तावेज सहित भाग ले सकते हैं। उधर सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर एस के वर्मा का कहना है कि 30 और 31 अगस्त को 220 पदों विभिन्न पदों के लिए पूर्व सैनिकों के साक्षात्कार लिए जाएंगे। इसके लिए पात्रों को कॉल लेटर भेज दिए हैं। तो ये थी नोटिफिकेशन। जो पूर्व सैनिक कोटे के 220 पद हैं, इसमें कौन कौन से पद हैं वो मैंने आपको बता दिए। अगर कोई इसके लिए एलिजिबल है तो उन्हें कॉल लेटर जो है जारी कर दिए हैं। अगर किसी को नहीं मिला तो वो वेबसाइट पे जाके जो है चेक कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी नोटिफिकेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।